नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। और अभी तक आप लोग ने इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में इस घंटे के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि रात 9 बजे और शाम 7 बजे जो लाइव क्लासेस होती है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले और बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज हम यहाँ पे मोंटेसरी विधि के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे और एक ऐसा टॉपिक है जिससे ना हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता ही है, सीटेट जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको ना 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कई बार मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आपको बताया गया होगा कि ये मारिया मोंटेसरी है। अब दोस्तों आपको बता दूं, ये एक शिक्षा शास्त्री है, एक डॉक्टर है और ये इटली के रहने वाली हैं। कहाँ के रहने वाली हैं दोस्तों? ये इटली के रहने वाली है। ये चीजें आप लोग ना लिख लें, ये कई बार एग्जामिनेशन में मैंने देखा है, भाई पूछा गया है कहाँ के रहने वाली है, तो ये इटली के रहने वाली है। तो 2 चीज क्लियर हो गई आपको कि मारिया मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, मारिया मोंटेसरी ही है और इटली की रहने वाली है। आगे लेकर चलूं आपको, तो देखिए मोंटेसरी विधि क्या बताती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा, कई बार आपके सामने आता है इनके प्रवर्तक कौन है, तो वो मारिया मोंटेसरी ही प्रवर्तक है मोंटेसरी विधि की, ठीक है। अब कई बार दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इस विधि का दूसरा नाम क्या है, मारिया मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों वो होगा सहचर विधि। क्या होगा? सहचर विधि दूसरा नाम होगा मारिया मोंटेसरी विधि का। अब ये विधि किस पर आधारित है? भाई ये खेल विधि पर आधारित है ये विधि जो है। अब अगला क्वेश्चन इससे बनता है, भाई कौन सा सिद्धांत पर आधारित है ये? तो रूसो के प्राकृतिकवाद सिद्धांत पर ये विधि आधारित है। चीजें क्लियर हो गई इतनी। अब देखिए, आपने सुना होगा दोस्तों या आप लोगों को पता होगा कि सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए 4 कौशल की आवश्यकता होती है। तो इन 4 कौशल को अगर हम शॉर्ट में बात करें आपसे, तो आप कह सकते हो सबल, क्या कह सकते हो इसे? सबल। सब से क्या होगा दोस्तों? सा से सुनना हो जाएगा, बा से बोलना हो जाएगा, पा से पढ़ना हो जाएगा और ला से लिखना हो जाएगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आपको ऑर्डर याद नहीं आ रहा है तो ये वर्ड याद कर लें भाई, सबल याद हो जाएगा। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मारिया मोंटेसरी भी ऐसा सोचती थी, तो भाई आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मारिया मोंटेसरी इसका उल्टा सोचती थी। वो ना यहाँ पे सब को तो मानती थी, सब क्या हो गया? सुनना हो गया और बोलना हो गया, इसे तो वो सही मानती थी। पर जो यहाँ पे पल था उनने उसको लब कर दिया था। लब मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर लिखना पहले बाद में पढ़ना, मतलब मारिया मोंटेसरी ये मानती थी कि पहले लिखना सीखे और बाद में पढ़ना सीखे। वो ये मानती थी कि लिखना ज्यादा सरल होगा पढ़ने की अपेक्षा। तो दोस्तों आगे हम यहाँ पर चलें मोंटेसरी, ठीक है। तो मोंटेसरी के अकॉर्डिंग आपने देख लिए हैं क्या होगा, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने की अपेक्षा। भाई लिखना जल्दी सीख जाता है व्यक्ति पढ़ने की अपेक्षा में, क्योंकि पढ़ने में ना आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लगता है और लिखने में वो नहीं लगता है, उनका ऐसा मानना था। अब भाई अध्यापन कार्य कैसे होगा मोंटेसरी विधि में? हमने सारी चीजें तो जान ली, पर अध्यापक अध्यापन का कार्य, पढ़ाने का कार्य कैसे होता है? अब मोंटेसरी विधि में क्या होता है, एक बाल भवन होता है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसे बाल भवन या लहर कक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, लहर कक्ष या बाल भवन, ये भवन में क्या होता है? ये भवन में ना चार्ट लटके हुए होते हैं या दीवारों में चित्र बने हुए होते हैं। ऐसे चित्र बने हुए होते हैं जो बच्चों को पढ़ाना होता है, जो बच्चों को सिखाना होता है, और बच्चों के लिए इस भवन के अंदर खिलौने की व्यवस्था की जाती है, ऐसे खिलौने जिससे बच्चा क्या होता है कुछ सीखे, है ना। दीवारों में चित्र होते हैं और चार्ट लटके हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? कार्ड होते हैं, है ना, कार्ड्स भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। इन कार्डों में चित्र बने हुए होते हैं और उन चित्रों से संबंधित क्या होता है, कुछ जानकारियां उन कार्डों में लिखी हुई होती है। इन सभी कार्डों को दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, खिलौने के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, दीवारों के चित्र के माध्यम से या कार्ड के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी जाती है। आगे चलो दोस्तों, तो सबसे पहली बात ये आती है, यहाँ पर हम बात करेंगे अब पद्धति के बारे में, कुछ मोटी मोटी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो यहाँ पर क्या जा रहा है भाई, शिक्षा शास्त्री डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने इस प्रणाली का आविष्कार किया है। पहले तो आप आज के बाद ये बात बोलेंगे नहीं,
अब दूसरी बात ये आती है भाई, कैसे बच्चों के लिए उपयोगी है। दोस्तों जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है उसके लिए ये विधि जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए। पॉइंट नंबर टू, अब इन्होंने क्या किया है, इस प्रणाली को ना 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया दोस्तों, 3 भागों में इस प्रणाली को इन्होंने बांट दिया है। क्या क्या है वो भाग, चलिए उसे भी देख लेते हैं। भाई आप लोग को सेशन में मजा आ रहा होगा, भाई मजा आ रहा है ना, तो मैं कहूंगा यार एक लाइक जल्दी से इसमें वीडियो को दे दें आप, फटाफट लाइक दिस वीडियो। अब देखिए क्या होता है, एक पहला भाग है भाषा की शिक्षा, दूसरा भाग इसमें कहा है कर्म इंद्रियों की शिक्षा, और तीसरा भाग कहा है इन्होंने ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा। इन्होंने ना पूरी शिक्षा पद्धति को या इनको जो शिक्षा का सिस्टम है इसको 3 भागों में बांट लिया है। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये भाषा की शिक्षा है क्या। अब भाषा की शिक्षा क्या था, आपको ये भी क्लियर करता हूं मैं, मारिया मोंटेसरी जो थी, इनका मानना था मारिया मोंटेसरी जी का कि भाई विचार से लिखना पढ़ने की अपेक्षा जो होता है ज्यादा सरल होता है। सर्वप्रथम ये लिखना सीखने पर बल देती थी, ध्यान रखना कि सर्वप्रथम लिखने सीखने पर बल देती थी कि भाई लिखना पहले सीखे पढ़ना बाद में, क्योंकि लिखना ज्यादा सरल है पढ़ने की अपेक्षा, ऐसा मानती थी मारिया मोंटेसरी। भाई हर जगह ये आपको नहीं मिलेगा। आगे लेकर चलो दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का पॉइंट कहता है ऐसा क्यों, भाई ये कहती थी कि लिखने में उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है इसीलिए लिखना सरल है, तो लिखना पहले बच्चा सीखेगा बाद में पढ़ना सीखेगा, ये चीजें थी। आगे हम चले तो कर्म इंद्रिया की शिक्षा। अब क्या होता था दोस्तों, मारिया मोंटेसरी का जो विद्यालय था वहां ना कर्म इंद्रियों की भी शिक्षा दी जाती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये कर्म इंद्रिया क्या है, तो चलिए इसे भी क्लियर करते हैं। भाई बाल भवन के अंदर क्या होते थे, सभी कार्य जो होते थे बच्चा जो होता था स्वयं करता था, स्वयं करके सीखता था। मतलब ये पद्धति जो थी मारिया मोंटेसरी पद्धति, ये करके सीखने पर बल देती थी, बच्चा करेगा उसे अनुभव मिलेगा, उस अनुभव से बच्चा क्या होगा सीखेगा, ऐसा मानना था मारिया मोंटेसरी जी का। आगे रख लो दोस्तों आपको, तो भाई यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे कि हाथ मुंह धोना, कपड़े धुलना, ठीक है, कमरे आदि की सफाई करना, ये आदि सारे कार्य जो होता था बच्चा स्वयं करेगा, जिससे क्या होगा बच्चे का शारीरिक व्यायाम भी हो जाएगा और उसकी जो कर्म इंद्रिया है वो क्या होगा उसका विकास भी होगा, ऐसा मानना था मारिया मोंटेसरी जी का। अब हम बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की, तो यहाँ आता है दोस्तों ज्ञान इंद्रिया की शिक्षा। मारिया मोंटेसरी क्या थी, अनुसार बच्चों में ज्ञान इंद्रिया द्वारा जितने अधिक अनुभव होंगे उतना ही बच्चा अधिक सीखेगा। अब जो तीसरा भाग ये बताता है मारिया मोंटेसरी के बारे में कि भाई बच्चा जो है, बच्चे के पास जितना अनुभव इकट्ठा होगा, मतलब बच्चा करेगा कुछ कार्य तभी तो अनुभव आएगा, तो जैसे जैसे उसके बाद अनुभव आएगा ना, तो अनुभव से वो बेहतर तरीके से सीखेगा, तो उसकी ज्ञान इंद्रिया का विकास होगा। तो यहाँ पर आपको आई थिंक तीनों भाग मैंने एकदम क्लियर कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना, तो कमेंट बॉक्स में पहले लिख दें आप भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जल्दी से कमेंट में मुझे ये बताएं भाई वीडियो लगा कैसा आपको, मजा आया या नहीं आया। आगे लेकर चलूं दोस्तों, तो यहाँ कहा जाता है मारिया मोंटेसरी की विशेषता, तो भाई इसमें क्या होता है, बच्चे को स्वतंत्र रखकर खेलों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, समझ में आया पहला पॉइंट। आगे रखता हूं दूसरा पॉइंट, इस पद्धति में क्या होता है, एक बाल भवन बनाया जाता है और उसमें अलग अलग उपकरण होते हैं और खेल खेल के माध्यम से आपको शिक्षा यहाँ पर मिलती है जो बहुत ही रोचक होती है। आगे चलें भाई, मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा शिक्षण में लिखने पहले करना चाहिए पढ़ने की अपेक्षा। पॉइंट नंबर 5 हम यहाँ बात करेंगे मोंटेसरी विधि की विशेषता जो है, मोंटेसरी विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ध्यान रखना कैसी विधि है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, एक क्रियात्मक विधि है, करके सीखने पर बल देती है। अभी अभी आपको समझाया मैंने करके सीखना क्या होता है, किसी कार्य को बच्चा करेगा और उससे जो अनुभव प्राप्त होगा उससे वो सीख लेगा, उससे वो सीखेगा, इसे कहते हैं दोस्तों करके सीखना। आगे रख लूं मैं बाल, ये खेल शिक्षा विधि है और बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का इस विधि में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आई थिंक आपको मोंटेसरी के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है, तो आप तैयार हो जाए, मैं पूछने वाला हूँ आपसे 10 प्रश्न या हाँ चलिए 10 के आसपास ही है वो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन यहाँ कहता है मोंटेसरी विधि के जनक जनक कौन है, तो आप सभी जानते हैं वो मारिया मोंटेसरी हैं। दूसरी बात करें हम इसे मोंटेसरी विधि को
दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों सहचर विधि इसका दूसरा नाम है। अब यहाँ पर ये जो मोंटे मारिया मोंटेसरी है, ये कहाँ रहती थी भाई? ये इटली की निवासी थी। मारिया मोंटेसरी की जो पद्धति है मोंटेसरी, ये खेल विधि पर आधारित है। ये चीजें हो गई। मारिया मोंटेसरी पद्धति कैसी है? तो भाई यहाँ पर होगा मोंटेसरी पद्धति लिखना और पढ़ना बताती है। मतलब ये बताती है कि भाई पहले आप लोग को लिखना है और उसके बाद आपको क्या है पढ़ना है। अध्यापन कार्य कैसे होता है इसमें भाई? दोस्तों इसमें अध्यापन कार्य आपको पता है एक विशेष प्रकार का लहर कक्ष होता है। लहर कक्ष में क्या होता है, उसकी दीवारों में चित्र या चार्ट लगे हुए होते हैं। यहाँ चार्ट लिखा होगा, चार्ट लगे हुए होते हैं। भवन के अंदर बहुत सारे खिलौने की व्यवस्था होती है। उन सभी चीजों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चा जो होता है सीखने में रुचि लेता है। अब एक क्वेश्चन और है भाई, कितने साल के बच्चों के लिए विधि लाभदायक है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विधि जो है लाभदायक है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये मारिया मोंटेसरी के बारे में जो मैंने आपको विवरण बताया आज? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेरे दोस्तों। और आप सभी को कहना चाहूंगा कि भाई आपको वीडियो कैसे लगते हैं ना, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम ये सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे शाम 7 बजे की लाइव क्लास में।